मैं अवधेश कुमार राय और आज हम एक ऐसे खबर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो मानवीय भावनाएं मानवीय संवेदनाओं को कुचल देता है। एक पत्नी अपने बीमार पति को छोड़कर चली जाती है। उसका भाई उसकी इलाज की कोशिश भी करता है तो उस भाई के लिए भी मुसीबत है। अगर इलाज के दौरान भाई को खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो उसकी पत्नी द्वारा उस पर आक्षेप लगाया जाएगा कि ये भी किसी मानसिकता से प्रेरित था। आज हम उन्हीं सज्जन से मिलवाते हैं और उन्हीं से हम बात करते हैं कि कहानी के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। तो भी आपको नाम? हमारा नाम सज्जन कुमार है। क्या मसला है, क्या मामला है, पूरा बताइए हमारे दर्शक। हमारे मामला यही है कि हमारे भाई का मस्तिष्क में पानी हो गया है, जिसके इलाज के लिए हम लोग अत्यंत प्रयत्नशील हैं। यहाँ के सभी डॉक्टरों को सभी डॉक्टर से संपर्क किया, लेकिन दवा के द्वारा ठीक नहीं हो जाने के कारण हम लोगों को रांची रेफर किया गया है। तो रांची रेफर किया गया, हम मानवता के नाते अपने भाई को है, सभी भाई मिलकर ये अपने छोटे भाई का इलाज के लिए हम रांची रिम्स में ले जाना चाह रहे हैं। इसके लिए इनकी पत्नी इनको छोड़कर चली गई है। इनकी पत्नी को भी खबर किया गया है कि ये आकर अपने पति की सेवा करें और पति क्या बीमारी हालत में उन्हें सहयोग करें और साथ में रांची चलकर उनका सहयोग करें और मैंने उनका इलाज में जहाँ तक भरपूर हो योगदान करें। लेकिन इसके बावजूद भी, पत्नी को खबर करने के बावजूद भी वो आने को तैयार नहीं है और पति के साथ व्यवहार भी सही ढंग से नहीं कर रही है। अत्यंत मजबूर होकर हम लोग सभी भाई मिलकर एकजुट होकर अपने छोटे भाई की जान प्राण की रक्षा के लिए और उसे मस्ती के इलाज के लिए उसे हम लोग सभी भाई मिलकर उन्हें रांची रेफर में उनके इलाज के लिए ले जा रहे हैं ताकि वह स्वस्थ होकर साधारण तौर पर अपने जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। मेरा सवाल, कब से ये इनकी हालत जो है इस तरह से हुई है? ये 1-1.5 महीना से इनकी मस्तिष्क का जो प्रॉब्लम है 1-1.5 महीना से है, जिसके कारण हम लोग सभी डॉक्टर मानव मस्तिष्क विभाग के सभी डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने बोले कि मतलब इसका ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है जो परमानेंट इनके माइंड को से पानी निकाल कर ही इनके ठीक किया जा सकता है। इस वजह से हम लोगों ने इन्हें दिया गया। भी आप इलाज के लिए आ रहे हैं क्या? इसके अलावा तत्काल सूचना दी है थाने वाले में? हाँ, एसपी के पास दिया गया, एसपी के आवास पे दिया गया है, महिला थाने में दिया गया है। लेकिन महिला थाने में देने के बाद फिर वे हमको रिसीविंग नहीं दिए, बोले रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अब इलाज के ले लीजिए। इतना कहकर ये खाली सिर्फ हमारा मैंने जो कंप्लेन लेटर है वे रख लिए और रिसीविंग हमको नहीं दिए। आखिरी प्रश्न है आपसे। जी, जिला प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से ही मांग करते हैं कि हमारे भाई के इलाज में हम लोग भाई मिलकर जितना सहयोग हो रहा कर ही रहे हैं। इसके बावजूद हम लोग का फिनेंशियल पोजीशन सही नहीं होने के कारण हम लोग का जहाँ तक संभव है हम लोग इलाज के लिए तो तैयार हैं। अगर किसी तरह का हमारा भाई का इलाज में कुछ कमी हो तो प्रशासनिक तौर पर सहयोग करने की मांग करते हैं। ये भी और कहना चाहेंगे कि अगर इसकी पत्नी के द्वारा हमारा भाई का अगर मान लिए किसी तरह का, अगर भगवान न करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन हमारे भाई का अगर माने माइंड का ऑपरेशन के दरमियान अगर किसी तरह का कुछ वैसा हो जाता है तो मेरे ऊपर या मेरे परिवार भाई 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 वगैरह के ऊपर किसी तरह का मैंने कानूनी आरोप लगाकर या गलत आरोप लगाकर हमारे कानून में फंसाने की कृपा न करने का। जी, आपका नाम? पंकज कुमार। पंकज जी, क्या हुआ है आपको, कुछ बताइए। मेरी पत्नी राधा देवी हम पे जानलेवा हमला कर दिए। छत घर से निकलते छत से पत्थर फेंकना, बोलती आप मर जाए, मतलब नहीं है, खाली मकान आपके मकान में कब्जा कर, आपके मकान में कब्जा कर लूँगा, सारा संपत्ति आप सब पैसा कोई सर हम अपने नाम कर लूँ, आपसे कोई मतलब नहीं, पैसा कोई देख के आपके शादी किया, हमसे कोई मतलब नहीं, काम कर दिए, आप मर जाइए। आप ठीक अभी आपके साथ क्या हो रहे हो? घर से निकलते हमसे छत आपको क्या समस्या है? अभी पत्नी मेरी छोटी वो मेरे पानी जम गया है, डॉक्टर साहब बोले कि रांची रिम्स में रेफर कर देगा ले ऑपरेशन करनी हो पूरे से। पानी जमने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ में? ब्रेन फटने लगती है, रात भर सो नहीं पाता हूँ, ब्रेन दर्द करती है, ब्रेन फटने लगती है भीतर से। और आप कहते थे रास्ते में चलते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है? रास्ते में चलते हो तो
अंधेरापन नजर आती है, कुछ नहीं जगह सोया हो चल रहे हैं, सोया हो महसूस होते हैं, सोकर चल रहे हैं। ये देख सकते हैं ये जो घर है उन्हीं सज्जन का है जिन्हें उनकी पत्नी छोड़कर अपने मायके चली गई है। उनकी हम बात करें तो उनका एक भरा पूरा परिवार है, उनके परिवार के लोग हैं जो इस विपदा की घड़ी में भी उनके साथ हैं, मगर उनकी बीवी देख सकते हैं मकान को बंद करके मायके चली गई है। मायके अपने बेटे को वो साथ लेकर गई है और जिस प्रकार निष्ठुरता का वो परिचय दे रही है ये पूरा दर्शाता है कहीं कहीं मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह से वो झंझोर दे रही है। एक सत्यवती थी जो पत्नी सत्यवती पत्नी थी जो यमराज से अपने पति के प्राण हर कर ले आई थी और ये पत्नी है जो अपने पति की इस अवस्था में भी उसका हाल चाल और सुध नहीं ले रही है।